अभी आप अनंत ग्रंथ का पाठ सुन रहे थे। अब संगत की तरफ से कुछ प्रश्न हैं, कुछ विचार हैं, वो आप सुनिए। तपोवन से भुवनेश वो लिखते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में, बताएं कि इस पूर्णिमा का क्या महत्व है। कार्तिक शब्द जो है, ये कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक पूर्णिमा शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय को समर्पित है। उत्तर भारत में बहुत कम लोग जानते होंगे कि महादेव शिव के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र कुमार कार्तिकेय थे जो सन्यासी हो गए थे, और उनका जन्म कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में षष्ठी को, कुछ लोग षष्ठी को बताते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा में ही बताते हैं। उन्हीं के नाम पे इस महीने का नाम कार्तिक मास पड़ा है। कार्तिक स्वामी, उन्होंने राज्य भोग सुख संपदाओं को ग्रहण नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि केवल महादेव शिव की ऊर्जा से उनकी उत्पत्ति हुई। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ब्रह्म तत्व उत्पन्न हुआ और वो ही स्वरूप स्वामी कार्तिकेय के नाम से जाना गया। वे बाल्यकाल में ही गंगा जी के सानिध्य में रहे। गंगा जो पार्वती की बड़ी बहन थी, और ब्रह्मा जी के आश्रम में रहती थी गंगा किनारे। आज जहां गंगा जी का उद्गम है उसको गोमुख कहा जाता है, और जो गंगोत्री है, पहले यहां से उनका निकास था और पीछे हटते 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 ग्लेशियर बहुत पीछे हट गए। वहीं पर ब्रह्मा जी का आश्रम हुआ करता था, वेदों का अध्ययन स्वाध्याय कुमार कार्तिकेय ने गंगा जी के संरक्षण में किया। चारों वेदों का उन्होंने स्वाध्याय किया। और वेद मंत्रों के द्वारा ही उन्होंने परम ब्रह्म की उपासना की। वेद वेदांग उपनिषद का गहन अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि वो परमात्मा एक ही है, एको देवः सर्वभूतेषु गुणः, उसी की किरणें समस्त प्राणियों में 84 लाख जोना जोन में
समाई हुई हैं। उस परम ब्रह्म की तपस्या से ही मनुष्य अपने उस ब्रह्म स्वरूप को फिर से प्राप्त कर सकता है। पता है कुमार कार्तिकेय ने अपने शिष्यों को परम ब्रह्म की आराधना का ही उपदेश किया, उसके अतिरिक्त कोई पूजा पाठ उन्होंने नहीं बताया और स्वयं भी उसी में लगे रहे। पूरे संसार की उन्होंने धर्म परिक्रमा की, अपने कुछ शिष्यों को साथ लिए हुए हरेक राष्ट्र में, हरेक देश में उन्होंने विचरण किया। वेद मंत्रों के द्वारा उन्होंने प्रवचन किए और उस समय में लोगों को पुण्य पथ पर अग्रसर किया। यम नियम का पालन करना ब्रह्म मार्ग में चलने के लिए सबसे पहली शर्त होती है। वे निरंतर जप तप व्रत में लगे रहे। कुमार कार्तिकेय बहुत समय तक उन्होंने तप्त कच्छ व्रत रखे। जब वो क्रौंच पर्वत पर थे वहां केवल गर्म जल पी करके वो रहते। कभी कभी गर्म दूध भी पीते। शरीर का शोधन होने से मन का भी शोधन होता है। जैसा मनुष्य का आहार होता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। सात्विक आहार जल और दूध है, और जल में भी जब हम गंगा जल को मिला लेते हैं तो उसकी पवित्रता बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें हमारी श्रद्धा का समावेश हो जाता है। श्रद्धा होने से और श्रद्धा में भी मान लीजिए हम थोड़ा सा जल भी ग्रहण कर रहे हैं तो उस जल का भी हम उस परम ब्रह्म को अर्पण करेंगे। ब्रह्म अर्पणास्तु, हे परम ब्रह्म ये जल मैं तुमको अर्पित करता हूं पीने से पहले। और ये पी कौन रहा है? ये भी वो ही है, किंतु ये ढका हुआ प्रच्छन्न ब्रह्म है। हमारे शरीर में सीमित ब्रह्म है, लघु ब्रह्म है, प्रच्छन्न है, अपरा ब्रह्म भी इसको कहा जाता है। तो ग्रहण करने वाला भी वो ही है। कुमार कार्तिकेय ने अपने समय में ईश्वरीय ज्ञान को सामान्य लोगों में वितरित किया। एक बार जब महादेव शिव कुमार कार्तिकेय से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर गए हुए थे, दूसरे देवगण भी वहां उपस्थित थे, मृत्युदेव यम भी वहां पर थे। उन्होंने शिव से कहा
महादेव आपके ये ब्रह्म रूप पुत्र सन्यासी कुमार कार्तिकेय, इनको देख के मुझे बड़ा अचरज होता है। शिव ने कहा क्यों? वो इसलिए कि इन्होंने साधारण लोगों को भी ये ब्रह्म अमृत बांट दिया है और उस ब्रह्म अमृत का प्रभाव भी मैं देख रहा हूं। सामान्य से सामान्य मनुष्य भी जिनको ना जिन्होंने वेद पढ़े हैं ना तप किया है, केवल कुमार कार्तिकेय के सानिध्य मात्र से, इनकी शरण में आने मात्र से ये सब जीवात्माएं उस ब्रह्म तत्व से प्रकाशमान हो गए हैं। ऐसा इन स्वामी कार्तिकेय में क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शिव ने कहा, हे यमराज, इस कार्तिकेय की उत्पत्ति मेरे सत्व गुण से, सतोगुण से हुई है। ब्रह्म ध्यान से इनकी उत्पत्ति हुई है। अतः जगत की माया का इनमें लेश मात्र भी नहीं है, अंश नहीं है। ये परमात्मा की निर्मल स्वच्छ ज्योति है। इनके भीतर छल कपट असत्य नहीं है। इनमें मायाचार, मायावाद, असत्य आचरण नहीं है। ये वाणी से कभी असत्य नहीं बोलता ना असत्य व्यवहार करता है, इसलिए सत्य ब्रह्म इसके भीतर झिलमिलाता है। यही कारण है कि इसके भीतर की किरणें जिस पे पड़ती हैं वो स्वयं भी उस सत्य स्वरूप में सहज ही स्थित हो जाता है और भव सिंध से पार हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में हम बता रहे हैं। प्राचीन काल में कार्तिक स्वामी के कारण ही इस महीने का नाम कार्तिक मास पड़ा और गंगा के किनारे 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 जहां से गंगा का उद्गम है वहां से लेके और जहां तक ये समुद्र में प्रवेश करती है वहां तक इस कार्तिक मास में पूर्णिमा को ऋषि मुनियों के सम्मेलन होते थे, आज भी होते हैं। समय बदलने के कारण उनका स्वरूप भी आजकल थोड़ा बदल गया है। संसारी लोग गंगा स्नान में जाते हैं तो उनकी बुद्धि भी सांसारिक ही बनी रहती है। पहले क्या होता था, वर्षा ऋतु के चार महीने तक ये ऋषि मुनियों के जत्थे गांव गांव में नगर नगर में विश्राम करते थे। निरंतर रात दिन चार चार महीने प्रजाजन समाज के लोग इनके धर्म प्रवचनों को सुनते थे। धर्म श्रवण से उनकी बुद्धि पवित्र हो जाती थी, उनमें ज्ञान बैराग व्रत उपवास ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति जागृत हो जाती थी।
तब ये महात्माओं के समुदाय चार महीने वर्षा ऋतु के चार महीने ग्राम और नगरों में रहने के पश्चात कार्तिक मास की एकादशी जो आती है जिसको देव उठान कहा जाता है उस समय पांच दिन पहले पूर्णिमा से पांच दिन पहले एकादशी में ये अपने डेरे वहां से उखाड़ते थे और सब गंगा की तरफ को यात्रा इनकी शुरू हो जाती थी और समाज के लोग भी इनके साथ साथ कुछ आगे कुछ पीछे कुछ पहले कुछ बाद में वहां पहुंच जाते थे और वहां पर गंगा के तट पर महासम्मेलन इन महात्माओं के हुआ करते थे। लोग अपने घरों से खिचड़ी का प्रसाद बनाने के लिए वहां ले जाते थे। आज भी ये प्रथा है। बस ये है इस समय में लोग जाते हैं गंगा स्नान के मेले पे, महात्माओं के प्रवचन तो कम सुनते हैं और इधर उधर की दुनियादारी की बातें वहां अधिक होती हैं। जिसकी बुद्धि जैसी होती है वैसा ही मार्ग उसको मिल जाता है। और आज के वक्त में इस पूर्णिमा को लोग कुमार कार्तिक के नाम से कोई जानता नहीं। पुराने लोग कुछ होंगे या साधु संत महात्मा होंगे वे तो जानते हैं, किंतु हमारा आम समाज, हमारे देशवासियों को चाहिए, जो प्रशासन है मैं तो उनसे ये अनुरोध करूंगा इस पूर्णिमा को वे कुमार कार्तिकेय के जन्म उत्सव की पूर्णिमा घोषित करें, जिससे पूरे भारतवर्ष में कम से कम शिवपुत्र कार्तिकेय के विषय में लोग जानने की इच्छा रखें। और आप देखिए इस कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक बर्थडे के नाम से घोषित कर दिया गया है, जबकि गुरु नानक का जन्म तो इस पूर्णिमा में हुआ ही नहीं था। आप सिख इतिहास में देखिए, जो जानने वाले लोग हैं, जो समझदार हैं वे समझते हैं और ना समझ तो झगड़ा करने को तैयार हो जाएंगे। बस एक नाम रख दिया है, गुरु नानक बर्थडे। गंगा स्नान क्यों होता है ये तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। शिव कब इस पृथ्वी पर होंगे आप देखिए, सतयुग त्रेता और द्वापर में, त्रेता युग में प्रभु राम के समय में भी थे और द्वापर में, और कलयुग जब प्रारंभ हो गया केदारनाथ में पांडव गए और वहां महादेव शिव के दर्शनों को गए वो, तो कहते हैं तब शिव समाधि ले चुके थे वहां केदारनाथ में। उससे पहले पांडवों को उनके दर्शन अवश्य हुए, अर्जुन को उन्होंने पाशुपत अस्त्र दिया था महादेव ने, तो कलयुग तक अभी उनका इतिहास पाया जाता है और अब भी वो तो अजर अमर आत्मा है अदृश्य रूप से। इन महापुरुषों के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में कोई अंतर नहीं होता, युग के युग बीत जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष बीत जाते हैं और ये ऐसे के ऐसे ही प्रकाशवान
अमृत प्रदान करने वाले बने रहते हैं। इस सृष्टि पर, इन आत्माओं पर अमृत बरसाते रहते हैं। कुमार कार्तिकेय के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने अपना अंतिम समय क्रौंच पर्वत पर बिताया। क्रौंच पर्वत उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग से 40 किलोमीटर दूर कनक चौरी एक छोटा सा स्थान आता है और वहां से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पहाड़ पर सहज रूप से वहां पहुंच जाते हैं चलते चलते। अभी वहां वाहनों के जाने की सुविधा नहीं हुई है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पहले कई बार वादे किए कि उस मार्ग को हम बना देंगे, किंतु अभी तक वहां क्रौंच पर्वत पर न कोई पानी की ठीक से सुविधा है, न बिजली की कोई खास सुविधा है, न यात्रियों के ठहरने की ही कोई ठीक से व्यवस्था है। कुछ बन रहा है ऐसा सुना है, और रास्ता भी ऐसा नहीं कि वहां तक फोर व्हीलर जा सके, और जिस दिन जाने शुरू हो जाएंगे तो बहुत सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो कुमार कार्तिकेय ने अपना अंतिम समय क्रौंच पर्वत पर बिताया और कितने ही महीनों वर्षों तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। तप्त तो कच्छ व्रत वो रखते थे, गरम जल पी के, केवल गरम पानी पीते थे या कभी कभी गरम दूध भी वो लेते थे। और वहीं पर उनके, कहते हैं आज उनकी अस्थियां वहीं रखी हुई हैं जिनकी पूजा वहां पर होती है। और कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले जो चतुर्दशी आती है उसको बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन वहां कार्तिक स्वामी में क्रौंच पर्वत पर विशेष उत्सव होता है। 362 गांव आसपास के चारों तरफ के उस स्थान से कार्तिक स्वामी से जुड़े हुए हैं, और वे लोग वहां बैकुंठ चतुर्दशी के दिन उनकी अर्चना पूजा अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं। तो ये जो पूर्णिमा है कार्तिक पूर्णिमा, ये पूरा महीना ये शिव पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। उन्हीं के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन लोग भूल गए हैं। इसकी जो गजेटेड छुट्टी है पूर्णिमा की, पूर्णिमा स्नान, इसको कार्तिक स्वामी जन्म पूर्णिमा, इस तरह से हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको वो घोषित करे वाकायदा अपने कागजों में, जिससे सभी लोग, विद्यार्थी और दूसरे ऑफिसर लोग समझ सकें, जान सकें कि वास्तविकता क्या है। देवपुत्री पूनम है झारखंड से, पूज्य श्री गुरुदेव जी के चरणों में नमन। कहा जाता है कि बिंद्रा जब विष्णु जी से क्रोधित हुई थी, तब विष्णु जी ने उन्हें वचन दिए थे कि तुम्हारी पूजा पूरे संसार में होगी, तुम्हारा यश पूरे संसार में होगा, जो तुम्हें पूजेगा वो यश की प्राप्ति करेगा। क्या ये तुलसी वो ही है जिसकी पूजा संसार एक वनस्पति औषधि के रूप में करता है, ये जानना चाहती हूं।
प्राचीन आख्यान बहुत पुराना समय हो गया है। ये घटना कब हुई होगी? उत्तरकाशी से जब गंगोत्री को जाते हैं उस मार्ग पर एक जगह पड़ती है हरसिल। हरसिल वो ही स्थान है जहां पे ये घटना घटित हुई थी। जलंधर असुर राज्य का स्वामी था, उसकी पत्नी वृंदा थी जो विष्णु की पूजा करती थी, और जलंधर असुर होने के कारण देवगणों से चिढ़ता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जलंधर लक्ष्मी देवी लक्ष्मी का भाई था और वो अपनी बहन को और विष्णु को यानी अपने बहनोई को दोनों को अपने महल में ले आया था। तपस्या करके उसने विष्णु से वरदान मांगा कि आप हमारे ही महल में रहें, और वे तैयार हो गए। उधर जलंधर का आतंक देवलोक में फैल गया। ऋषि मुनियों के यज्ञ वो भंग करने लगा, त्राही त्राही सब जगह मच गई और देवताओं का युद्ध जलंधर से शुरू हो गया। जलंधर में जो बल था, जो शक्ति थी, वो अपनी पत्नी देवी वृंदा के कारण थी, वो सती थी और वो विष्णु की पूजा करती थी। जलंधर ने बहुत बार उसको मना किया, तू ये पूजा छोड़ दे। कई बार तो उसने विष्णु की मूर्ति को उठा के बाहर फेंक दिया महल से, और वो मूर्ति फिर वहां ले जाके उसने रख दी वृंदा ने। जलंधर ने कहा, अगर तू बार बार इसका नाम लेगी विष्णु का तो मैं तेरी जीभ काट दूंगा। और वो माने नहीं, और उसने अपनी पत्नी की जीभ भी काट ली। अब वो मन ही मन में पूजा फिर भी करे। जलंधर के मन में विरोध था विष्णु के प्रति, और बहनोई भी थे। तो क्या हुआ, जलंधर ने अपनी पत्नी की आंखें भी फोड़वा दी, अंधी हो गई। फिर भी वो विष्णु विष्णु में ही लगी रही, उसी की पूजा में लगी रही। उसके भीतर जो सतीत्व था उसके कारण वो जलंधर देवताओं से पराजित होने में नहीं आता था। उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता था। सब देवताओं ने बहुत जोर लगाए, युद्ध किए, पर सफल नहीं हुए। फिर एक सभा हुई, क्या किया जाए। कहा विष्णु की वो भक्त है और विष्णु वहीं रहते हैं, विष्णु जी को बुला के विचार विमर्श करो कि वे सती वृंदा का पतिव्रत भंग कर दें। जो उसका तप है, पतिव्रत धर्म है, उसको विष्णु ही भंग कर सकते हैं। देवलोक के हित के लिए उनको ऐसा करना चाहिए।
सभा में विष्णु नारायण को बुलाया गया, कहा तुम्हारे लिए ये कार्य है। कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो मेरी भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। कहा ये देवलोक की रक्षा का प्रश्न है, देवलोक नष्ट हो जाएगा, देव संस्कृति नष्ट हो जाएगी, और जब तक वृंदा का तप और सत चल रहा है वो किसी भी प्रकार से ना तो पराजित होगा और ना मारा जा सकता है। सब देवगणों ने मिलके नारायण विष्णु को विवश कर दिया। बड़े दुखी शोक से मुंह लटकाए हुए नारायण विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के कक्ष में पहुंच गए और उन्होंने वहीं पर एक रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल होने पर वृंदा को पता चला ये मेरे पति नहीं है, ये तो विष्णु है। विष्णु की ही वो पूजा करती थी, विष्णु को ही वो ईश्वर जैसा मानती थी। उधर उसका सती व्रत भंग हुआ और शिव ने त्रिशूल मार के जलंधर का सिर काट दिया और वो सिर उसके महल में आके गिरा वृंदा के। वृंदा ने देखा ये मेरे पति का सिर और एक ये मेरा पति के रूप में ये खड़ा है, विष्णु थे वो। कहा तुम कौन हो और ये कौन है, सच्चाई क्या है? विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब क्रोधित होके वृंदा ने विष्णु को शाप दिया, मैं तुमको श्राप देती हूं, तुम पत्थर हो जाओ, शिला हो जाओ। और वो हो गई। सब देवगण वहां इकट्ठे हो गए, देवी लक्ष्मी वहां आई, देवी लक्ष्मी की वो वृंदा भाभी थी, भाई की पत्नी। देवी लक्ष्मी ने वृंदा के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, मुझे मेरी तरफ देखो, एक स्त्री के कष्ट को स्त्री ही समझ सकती है, जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, ठीक नहीं हुआ। ये देवगण हमेशा छल करते रहते हैं, अपने हित के लिए दूसरों का, चाहे धन हरना पड़े, चाहे चरित्र हरण करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये पीछे नहीं हटते, सब कुछ करते रहते। मैं तुमसे अपने पति को भिक्षा में मांगती हूं, लक्ष्मी जी कह रही हैं। दोनों ही बैठ के रोने लगे। उधर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, देवताओं ने प्रार्थना की, हे सती वृंदा, तुम्हारे श्राप से ये विष्णु पत्थर हो गए हैं, इनको तुम पुनः वैसा ही कर दो जैसे ये थे, तो आप कभी हर्षिल जाएं, हम लोग गए हैं वहां तो तीन धाराएं वहां बहती हैं, एक भागीरथी, एक विष्णु गंगा और एक जालंधरी, तीन जलधाराएं वहां एक जगह आके संगम उनका होता है, वहां वो नारायण शिला पड़ी हुई है। कहते हैं ये विष्णु हैं जो पत्थर हो गए थे, लेकिन वृंदा ने तो उनको फिर से क्षमा कर दिया और वो वैसे ही हो गए विष्णु जैसे थे।
विष्णु ने वृंदा से क्षमा याचना की, कहा देवी भविष्य में तुम भी मेरी पत्नी ही कही जाओगी, तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया पड़ेगा। और कहते हैं वहां वो सती हो गई अपने पति के मृतक शरीर को लेके, और वहां एक पौधा होगा जिसको आजकल हम तुलसा कहते हैं, ऐसा प्राचीन लोग कहते हैं। और सालग्राम एक छोटा सा पत्थर होता है गोल गोल, उस पे सफेद सफेद धारी रहते हैं, उसको विष्णु कहते हैं कि ये विष्णु है और ये तुलसा। तुलसा की जड़ में उसको रखते हैं और बहुत लोग उसकी पूजा करते रहते हैं। लेकिन हमारा अपना विश्वास जो है, अपने देव शक्तियों को हम प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, किंतु उन्हीं देवगणों ने जो हमें सिखाया है, जो बताया है, क्या बताया है? महापुरुषों का सम्मान करो, समय आने पर उनको प्रणाम भी करो, किंतु उपासना आराधना तपश्चर्या उस परम ब्रह्म की करो। वेद यही हमको आदेश देता है, और वेद सभी देवगणों का धर्म ग्रंथ रहा है। प्रमाण जो है वो वेद है, प्रमाणिक है, वेद के प्रमाण को ही सब मानते हैं। और यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो सालग्राम है इसी को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, कहने को तो कोई कुछ भी कहता रहे, किंतु हमें जो एक तथ्य है, जो सत्य है, उसी का अनुसरण करना चाहिए। अन्यथा हमारी बुद्धि जगह 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 बहुत बातों में भ्रमित होगी, इतिहास कुछ होता है, किंवदंतियां कुछ बन जाती हैं। और हमारा हिंदू समाज तो वैसे ही मूर्ति पूजा में भटका पड़ा है। किस किस की करेंगे पूजा आप बताइए? ये देवता है, ये देवता है, ये देवता है, ये देवता है, ये देवी है, ये देवी है, ये देवी है, ये देवी है, सभी हमारे लिए आदरणीय हैं। सभी को हम प्रणाम करें, किसी के विषय में भी अपशब्द ना कहें, किसी भी प्रकार से हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से उनका तिरस्कार ना हो। इतना सब होते हुए हम अपना आराध्य देव, ईष्ट देव, उसी परम ब्रह्म परमात्मा को बनाएं जो सभी देवी और देवताओं का इष्ट देव है, आराध्य देव है। तभी हम अनेक अनेक भ्रम में गिरने से बच सकेंगे, और तभी हमारे हिंदू समाज का उद्धार भी संभव हो पाएगा। अन्यथा आप देख लो हमारे यहां कितनी पूजाएं हैं। नमस्कार सबको करें, आदर सबका करें, सब में परम ब्रह्म है, किंतु उस परम ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप का हमें यजन पूजन करना चाहिए, जो हमारी आत्मा में ही ज्योति स्वरूप होके बसता है। तुलसा एक महत्वपूर्ण औषधि है, उसके बहुत से लाभ हैं, तो उसी रूप में हम उसको ग्रहण करें, औषधि रूप में तुलसा को ग्रहण करें। मानसिक पूजन, सुमरण, मंत्र जाप, उपासना, आराधना केवल
परम ब्रह्म परमात्मा की करें, तब ही हमारा मार्ग सरल शुद्ध और उच्च होगा। देवपुत्र अवनीश हैं, वो कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संघर्ष होता है। मानव जीवन को संघर्ष किस प्रकार से प्रभावित करता है, जब हमारे जीवन में संघर्ष की अधिकता होती है तब हम उच्चता में प्रवेश करते हैं, और जैसे जैसे हमारे जीवन से संघर्ष घटना शुरू हो जाता है वैसे वैसे हम भोगवादी होते चले जाते हैं, आराम तलब होते चले जाते हैं। हमारे प्राचीन पुरखे थे, उनका जीवन बड़ा सरल था, महीने दो महीने में पास के कस्बे या शहर में बाजार करने के लिए जाया करते थे, तीन तीन महीने के लिए दाल नमक मिर्च मसाले आदि घर गृहस्थी के सामान ले आते थे कि अब ये त्योहार आने वाला है। बहुत थोड़े में वे सब संतुष्ट हो जाते थे। हम लोगों ने अपने बाल्यकाल में वो समय देखा है जब हम लोगों की जरूरतें बहुत कम थीं। शाम को सूर्य के रहते रहते ही गांव में भोजन बन जाता था और खा लेते थे सब। रात में दीपक जलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बहुत जरूरी हुआ तो दीपक जलाया, डिबिया जलाई, लालटेन जलाई, पढ़ने वाले बच्चों के लिए जलाते थे कि बैठ के पढ़ लो। शाम को हमारे घरों में दाल सब्जी नहीं बनती थी, केवल नमक की रोटी, मलाई से खा लो, अचार से खा लो। कोई मेहमान आ गया तो माँ कहती जरा पड़ोस में देख के आ, कुछ बनाया है क्या, कोई सब्जी बनाई हो तो ले आ। यानी रोज रोज घरों में सब्जियां भी नहीं होती थी बनाने के लिए, बाजार में जाना पड़ता था, आसपास से कहीं से उपलब्ध हो गई तो बन जाती थी। बड़ा सरल और बड़ा मृदु मीठा जीवन था हम लोगों का, ज्यादा उलझाव नहीं थे जीवन में, हृदय में सरलता थी, सच्चाई थी। कहीं रिश्तेदारी में जाते तो बड़े दिनों से पहले से सोचना शुरू करते, भाई वहां जाना है, वहां जाना है, बैलगाड़ी या छोटा तांगा होता था उसमें बैलों को जोड़ के और टम 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 करते जा रहे हैं, और जहां पहुंच गए तो बस समझ लो 10 दिन 15 दिन एक महीना वहां रुकना ही रुकना है। और वे लोग भी ऐसे कि आने नहीं देते थे। जीवन में इतनी व्यस्तता थी नहीं जितनी आज है। गांव में इतने खेत जितने आज हैं इतने ही पहले थे, और कहीं कहीं एक कुआ होता था बिजली का और पूरे गांव का पानी उसी से खेतों में लगता था। हाँ कभी कभी लड़ाई झगड़े आपस में हो जाते थे ना समझी के कारण, फिर भी वो समय बहुत अच्छा था। गंगा स्नान को जा रहे हैं तो गढ़ गंगा का स्नान तो मशहूर है, 15 दिन एक महीना वहीं डेरे डाल दिए, महात्माओं के प्रवचन सुन रहे हैं,
गंगा में स्नान कर रहे हैं, तन मन पवित्र हो रहा है। वो जीवन था, उस जीवन में शांति थी, ईश्वर आराधना थी। अधिक लोग सुबह और शाम को संध्या वंदन किया करते थे। गांव के मंदिरों में दीपक जलते थे। कोई ना कोई पुजारी भी होता था, कोई महात्मा आके रह जाता था, या गांव का ही कोई आदमी ऐसा, उसको कहते थे तू दीपक जला दिया कर। और आज ये परंपराएं लगभग नष्ट हैं। हाँ, बस ये है कि अपने रिकॉर्डिंग चला देते हैं शोर शराबा, वो भी अच्छा है, ना होने से तो बहुत अच्छा है। कम से कम परमात्मा का नाम कानों में तो पड़ जाता है, ये भी अच्छा है। लेकिन पुराना समय और आज का समय, आप ये मत समझिए कि पिछले ही वक्त के हम गीत गा रहे हैं। आज के वक्त में भी बहुत तरक्की हुई है, लेकिन भौतिकवाद में हुई है। हम लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं, मोबाइल हमारे पास आ गए हैं, किंतु आप ये देखो, आपके बच्चे जो युवा हो गए हैं, जवान हो गए हैं, उस मोबाइल में क्या वो वेद की ऋचाएं सुन रहे हैं? क्या वे महात्माओं के प्रवचन सुन रहे हैं? प्रवचन आज भी उसमें पड़े हैं नेट पे। उनकी दिशा कहां है? उनकी दृष्टि कहां है? उनके संस्कार कैसे हैं? उनकी अंग्रेजी शिक्षा ने उनके चरित्र को कितना ऊंचा उठाया है? माता पिता के प्रति वे कितने संवेदनशील हैं? गुरुजनों के प्रति कितने संवेदनशील और श्रद्धावान हैं? हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं है, हैं, किंतु प्रतिशत कितना घटा है और किन चीजों का प्रतिशत बढ़ा है, ये देखने की जरूरत है। और इस प्रतिशत के घटते और बढ़ते हुए हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य कैसा होगा? आने वाली हमारी पीढ़ियां, हमारी संतानें कैसी होंगी? वो समय बहुत अच्छा था, सड़क पर कोई कोई वाहन दिखाई देता था, कोई बस एक दिन में, दो दिन में एक आध गुजर गई। लोग पैदल चलते थे, पैदल चलने में शारीरिक श्रम होता था, कठिनाइयां भी होती थी। कभी कभी कोई बीमार हो गया है तो बहुत दूर डॉक्टर मिलता था, जाते जाते बीच में ही मरीज मर जाता था। तो जीवन मरण तो मनुष्य के हाथ में नहीं, ना डॉक्टर के हाथ में है, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। पहले ऐसी भयंकर बीमारियां भी नहीं होती थी। कारण ये था कि हमारा शारीरिक श्रम और जीवन में संघर्ष अधिक थे। एक दृष्टांत हमने पहले भी आपको सुनाया था, दोबारा भी सुन लीजिए। एक किसान परमात्मा से नाराज हो गया, कहा हे भगवान, तुझे दुनिया चलानी नहीं आती, जब फसल पकने लगती है तू ओले डाल देता है, जब तुझसे वर्षा की भीख मांगते हैं, हे भगवान बरसा दे बरसा दे बरसा दे, तब तू बरसाता नहीं, तरसा देता है किसानों को। और जब कहते हैं हे भगवान सोने की भी बूंद डाल मत दिए, सोने की भी बारिश मत करिए, नहीं तो फसल चौपट, और तुझको क्या, तूने कौन सी खेती कर रखी, तू तो देवी देवताओं से घिरा बैठा पूजा करवा रहा है अपनी, तुझे क्या पता गन्ना कैसे होता है, तुझे क्या पता गेहूं कैसे बोया जावे।
तो ऐसी ऐसी बात कह के वो परमात्मा से नाराज था। सपने में परमात्मा आया, कहा भाई नाराज मत हो, बता क्या करूं जिससे तू खुश होगा। किसान ने कहा, लाओ एक साल के लिए हमें तुम अपनी सत्ता दो, हम दिखाते हैं तुम्हें कैसे दुनिया चलती है। बोले भाई ले ले, मैं भी तंग आ गया। परमात्मा ने कहा कोई मुझे कुछ कहवे, कोई कुछ कहवे, कोई कुछ कहवे। किसान कहते बारिश क्यों नहीं डालता, और कुम्हार के वो आवाज चढ़ा पड़ा है, और उसने कहते ले तैने तो मुझे पट कर दिया। एक अच्छा बता रहा है, एक बुरा बता रहा है, एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है। ले भाई, भैया एक साल तक तू दुनिया को चला, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा, ये बात पक्की। किसान बड़ा खुश हो गया, सबको बता दिया। अब कोई चिंता की बात नहीं, अपना भैया खेत जोतो, बुआई करो गेहूं की, जब चाहेंगे जब बारिश होगी। और आंधी ओले तेज हवाएं ये आएंगी नहीं, अब परमात्मा ने ये सत्ता हमारे हाथ में दे दी। सब किसान बड़े खुश हो गए, चलो भाई इस बार कुछ सुख शांति प्राप्त होगी। समय पर जुताई हुई, समय पर गेहूं बो दिए, और जब आवश्यकता हुई पानी, कुएं से पानी देने की कोई जरूरत नहीं, परमात्मा पानी बरसा दे, बरस गया। कितना बरसाना है, बस बस बस, बस रोक 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 दे। फसलें बहुत अच्छी हुई, पकने लगे, और कहा देख ओले मत गिरा दिए, इसी टाइम पे ओले बरसा करें, ओले हमारी फसल को नष्ट ना कर दें। कैसे कर सकते हैं, अब तो किसानों के हाथ में सत्ता है। एक भी ओला नहीं पड़ा, आंधी नहीं चली, और बड़ी अच्छी फसलें हुई। और किसान अपने खेतों में काटने गए, और क्या देखते हैं उसमें तो बाल में दाने ही ना। जिस बाल को देखें दाने ही ना। उसने कहा भगवान अब के तूने हमसे दुश्मनी निभाई, तूने सत्ता तो हमें दे दी और तू हमारा दुश्मन बन गया कि मैं देखता हूं कैसे करेंगे खेती, अब के तूने ये चाल चल दी। बोले भाई मैंने कोई चाल नहीं चली, तुम्हें पता है इन बालियों में दाने पड़ते कैसे हैं, संघर्ष से। तुम्हारे इन पौधों ने कोई संघर्ष नहीं झेला, बड़े आराम से ऐसे पलते रहे जैसे महलों में राजकुमार पलते हैं। ना हवा, ना बारिश, ना ओले, ना आंधियां, ना तूफान, ना बहुत ज्यादा गर्मी, कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में था सारा मामला, मैंने कुछ नहीं करा। संघर्ष जब अधिक होता है तभी अधिक प्राप्ति मनुष्य को होती है। और जो लोग कष्टों से घबराते हैं, संघर्ष से घबराते हैं, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। एक राजा को कुछ लोगों ने जाके कहा महाराज आपके राज्य में बड़ा भ्रष्टाचार है। बोले भ्रष्टाचार कैसा होता है, हमने तो देखा ही नहीं, पकड़ के लाओ कहीं से। ज्ञानी पुरुषों ने सोचा ये तो राजा भी मूर्ख है। उन्होंने समझाने की कोशिश की, बोले राजा ने पूछा भ्रष्टाचार है कहां, उन्होंने कहा महाराज आपके सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है। बोले वो कैसे, कूद के एक तरफ खड़ा हो गया, कहां है इसमें भ्रष्टाचार। कि महाराज भ्रष्टाचार उसको कहते हैं जिन्होंने ये सिंहासन बनवाया वो बीच में पैसे खा गए, उन्होंने सोने की जगह नकली चमकदार पीतल लगवा दिया, इसको कहते हैं भ्रष्टाचार। बोले अच्छा इसका उपाय क्या है, कि उपाय ये है आप खुद
जाकर के अपने कर्मचारियों को देखो, केवल राज सिंहासन पर ही मत बैठे रहा करो। और ज्ञानी पुरुष ये कह के थोड़ा विश्राम के लिए गए, और जो लोग भ्रष्ट थे उनको बड़ा कष्ट हुआ। अरे अब हमारी दाल कैसे गलेगी, हम तो राजा की मूर्खता पे ही खा रहे थे, पी रहे थे, लूट रहे थे, राजा को भी, प्रजा को भी, धन को भी, अब गुजर बसर कैसे होगी। उन्होंने एक योजना बनाई। महाराज आपने पूछा इन ज्ञानियों से भ्रष्टाचार को दूर कैसे करें, बोले हाँ ये कह रहे हैं कि मैं घूमा करूं। कि लो राजा ऐसे ही घूमेगा गली गली में, राजा महाराजा ऐसे कहीं घूमते, आपकी शोभा तो सिंहासन पे है प्रभु, घूमने के लिए तो हम बहुत हैं। और इसका एक उपाय है, क्या? भ्रष्टाचार नाशक एक ताबीज बनवा दो। हमने एक महात्मा से पूछा, महात्मा भी उनके इस षड्यंत्र में शामिल था। उस महात्मा को लाए और कहा आप बात कर लो। राजा ने कहा हाँ महाराज जी बताओ भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। बोले ऐसे दूर होगा ताबीज बनवा दो। और फिर क्या करें कि बहुत सारे ताबीज बनवाओ और प्रजा में हरेक के गले में ताबीज बांध दो। उससे फिर कोई भी भ्रष्टाचार कर नहीं पाएगा। बोले ठीक है। तो उन लोगों ने बहुत सारे ताबीज बनवाए और बहुत सारा पैसा उसमें भी खा गए। ताबीज बांधने से कहीं भ्रष्टाचार रुकता है? पीतल का या तांबे का ताबीज पहन के क्या आदमी सिद्ध पुरुष बन जाता है? बिल्कुल नहीं। उसकी बुद्धि उसकी सोच तो जैसी पहले थी वैसे ही बाद में रहती। अब राजा ने सोचा, उनको बुलाया अपने कर्मचारियों को कि भाई ये भी तो परीक्षा होनी चाहिए कि ताबीज कुछ असर कर रहा है या नहीं। फिर उनमें हड़कंप मच गई। उन्होंने कहा ठीक है महाराज आप परीक्षा कर लीजिए। तो एक जगह घूमते घूमते भेष बदल के गए राजा, और महीने का प्रारंभ था, उसी दिन तनख्वाह बटी थी और लोगों पे पैसे थे। एक व्यक्ति के पास वो ले गए राजा को और कहा इसको आप रिश्वत दे के देखो, अगर ये रिश्वत ले लेगा तो समझ लो ताबीज काम नहीं करता, और ना लेगा तो सही है। उधर उन्होंने उस आदमी के कान में कह दिया देखो राजा को हम ला रहे हैं और ये रिश्वत देगा तो तुम लेना मत। बोले ठीक है। राजा गया और एक सामान्य व्यक्ति बन के गया, भाई मेरा ये काम कर दो, लो ये रिश्वत दे दो। बोले नहीं साहब हमारे तो राजा का ताबीज बंधा हुआ है, हम नहीं ले सकते, हम क्यों लेंगे। राजा खुश हो गया कि हाँ ताबीज ठीक काम करता है। दो चार दिन बाद राजा के मन में फिर आया ये कहीं मेरे ही आदमी मुझे पागल तो नहीं बना रहे। उनको बिना बताए चुपके से एक दिन दूसरे कार्यालय में पहुंच गया और कहा भाई देखो मैं गरीब आदमी हूं और मेरा ये काम है। बोले काम ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, पैसे पैसे ला। बोले तुम्हारे तो ये तबीज बन रहा है। बोले तबीज तो सौ बांध दे चाहे तो किसी के, तबीज से क्या हो रहा है। बोले तबीज में कोई असर नहीं। बोले तेरा दिमाग खराब है, तू अपने बांध ले तबीज, कुछ हो जावे तो देखिए। नोट ला नोट, पैसे पैसे दे। राजा ने अपना सिर पकड़ लिया। षड्यंत्रवाद और जहां के लोग अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं रखते, अपनी भूमि से प्रेम नहीं रखते, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं होते,
वो राज्य हो कोई जाति हो समूह हो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। संघर्ष जब तक हमारे जीवन में रहता है, जब तक परिश्रम और पुरुषार्थ हमारे जीवन में रहता है, हमारे जीवन में चमक, ईश्वरीय चमक बनी रहती है, आत्मा में शांति बनी रहती है। और जैसे जैसे हम विलासी बनते जाते हैं, जैसे जैसे भोग सामग्री अधिक हमारे पास इकट्ठी होती चली जाती है, मनुष्य का, समाज का, राष्ट्र का पतन होता चला जाता है, होता चला जाता है। तो प्रश्न ये है कि मनुष्य के जीवन में जब संघर्ष होता है, तब मानव जीवन को संघर्ष किस प्रकार प्रभावित करता है। सतोगुणी बुद्धि वाले उस संघर्ष में ऊपर उठते हैं, रजोगुणी वाले दूसरों को धोखा देकर के ऊपर उठना चाहते हैं, और जिनकी बुद्धि में अज्ञान है, दुष्टता है, क्रूरता है, वे दूसरों को नष्ट भ्रष्ट करके ऊपर उठना चाहते हैं, किंतु उनका वो ऊपर उठना कुछ ही दिन के लिए होता है, फिर वो नीचे ऐसे धाएं से गिरते हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं मिलता। सत्यमेव जयते, सत्य से ही मनुष्य को विजय श्री की प्राप्ति होती है। सत्य के आचरण से, धर्म के आचरण से, पुरुषार्थ और श्रम करते हुए हम आगे बढ़ें, अपने समुदाय को आगे बढ़ाएं, अपने राष्ट्र को, इस भारतवर्ष को उच्चता में ले जाएं। ये देव भूमि है, देवो भव, हम सब देवात्मा बने, देव पुरुष बने, दिव्यताओं को धारण करें और अपने आने वाली पीढ़ियों को यही संदेश दें, मेरे बच्चों बड़े होके बड़े काम करना, तुम्हारी बुद्धि पर दुष्ट पुरुषों का साम्राज्य ना हो। दुष्ट विचार वाले लोग तुमको बहका के नष्ट भ्रष्ट ना कर दें, तुम्हारे पतन का विकारण ना बने। शुभमस्तु, आज इतना ही। एक सूचना सुने, 11 नवंबर से 14 नवंबर दीपावली के प्रातःकाल तक संपूर्ण यजुर्वेद का यज्ञ गुरु दरबार में होने जा रहा है, आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।